अलमन्नान ज्वेल्स गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, रूबी, एमरल्ड तमाम ज्वेलरी स्टोन बहुत ही कम दामों में दस्तियाब हैं। केडीएम ज्वेलरी तैयार शुदा या ऑर्डर पर भी बनाई जाती है। हॉलमार्क ज्वेलरी गारंटीड कम दाम और डायमंड, रूबी, एमरल्ड और दूसरे अकसाम के ज्वेलरी भी दस्तियाब है। स्टर्लिंग सिल्वर और इटालियन ज्वेलरी और पायल्स भी दस्तियाब है। अलमन्नान ज्वेल्स ऑपोजिट धनराज जैन ज्वेलर्स, शालीबंडा, हैदराबाद। एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 मर्द और ख्वातीन के लिए वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग फेडरेशन के जरिए पेश किया गया। थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम में सरूर नगर इंडोर स्टेडियम में मुनक़िदा तेलंगाना थाई बॉक्सिंग फेडरेशन की मेज़बानी में किया गया। जॉइंट सेक्रेटरी थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन, प्रेसिडेंट तेलंगाना थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज तेलंगाना और हैदराबाद में एशियन थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो 3rd, 4th, 5th दिसंबर को यहाँ पर रखी गई थी और आज उसका क्लोजिंग सेरेमनी है। मैं तमाम इंडिया के जितने भी सेक्रेटरीज है और रेफरीज है, जजेस है और पेरेंट्स है, बच्चे हैं, सबका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग ने यहाँ पर आया और इतनी अच्छी फाइट करवाई और इतनी अच्छी फाइट हुई और एंड ऑफ द डे आज एशियन थाई बॉक्सिंग की जीत हुई। तो आज इतना अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, एशियन प्लेयर्स भी थे, इंडियन प्लेयर्स भी थे, काफ़ी बड़ा मंच था और इसी मंच के बाद मैंने हमारे जो आदरणीय डॉक्टर कुलदीप सुमन अक्षर सर, WTF वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग फेडरेशन के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम लोग ने डिस्कशन किया और हमारा एक नया शो, नया रूप, नई गेम, जो जिस तरह IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह वर्ल्ड चैंपियंस फाइट लीग हम लोग खिलाने जा रहे हैं हम लोग, और जिससे जो है ना आने वाले दिनों में बच्चों को फ़ायदा होगा और बच्चे इस गेम के थ्रू बच्चे अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग ट्रेनिंग, उन लोग को इसमें सेलेक्शंस किया जाएगा, हमने सब कुछ प्लान किया है। हर स्टेट से, हर कंट्री से, 12 कंट्री से मेरी पर्सनली बातचीत हुई, मैं सर से डिस्कस भी किया हूँ कि 12 कंट्री से मेरी बातचीत चल रही है और 12 कंट्री से मेरी बातचीत हो चुकी है, लेकिन 10 सीरीज़ हमने स्टार्ट किए। पहली सीरीज़ उसकी फर्स्ट लीग जो है इंडिया में होगी और सेकेंड लीग ये भी बात कर ली है हमने कि 2024 में ये दुबई में होगी। दुबई गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट कर रही है और दुबई में ये सेकेंड सीरीज़ इसकी दुबई में होगी, तो जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, इराक, इंडिया और इसी तरह से जो है ना 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं ये सारी गेमों का पूरा श्रेय इसका सब कुछ कुलदीप सर।